नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मेरी खेती में। किसान भाइयों, आपने मुर्गी पालन के विषय में सुना होगा, बहुत से इलाकों में मुर्गी पालन होते हुए देखा होगा, लेकिन मुर्गी में अनेक जो प्रजातियां हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। उसको जानना कौन कौन सी प्रजातियां हैं और उनकी क्या खूबी है और कहाँ उनका बाज़ार है और कैसे अलग अलग प्रजातियों का चयन करके उनकी फार्मिंग करके आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं, ऐसी ही एक प्रजाति है असीम। तो असीम के विषय में हमें जानकारी दे रहे हैं आचार्य एवं विभागाध्यक्ष कुक्कुट पालन विभाग वेटनरी विश्वविद्यालय मथुरा एवं पूर्व संयुक्त आयुक्त कुक्कुट भारत सरकार डॉक्टर पंकज कुमार शुक्ला जी। तो रक्षक, क्या खूबियां हैं इस असीम की और कैसे इसका पालन किया जाए? किसान भाइयों, हमारा देश जो पशु पक्षी हैं इनकी डाइवर्सिटी के लिए विश्वविख्यात है और ख़ासकर हमें इस समय पे ये आवश्यकता अवश्य महसूस हो रही है कि हमारे पास जो खजाना है उस खजाने का जो पशु पक्षियों के रूप में मौजूद है उनका सही इस्तेमाल सही समय पर हम करें तो ना केवल आजीविका बल्कि हम अपने भरण पोषण की व्यवस्था भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और इसी कड़ी में एक पक्षी हमारे बीच में या हमारे देश में एक नस्ल उपलब्ध है पक्षी की, जिसे हम असील के नाम से जानते हैं। और किसान भाइयों, अगर थोड़े समय पहले की हम बात करें, 30 से 40 वर्ष पूर्व, तो इस पक्षी का प्रयोग हमारे देश के कई नवाब लोग और नवाब की फैमिलीज मुर्गे की लड़ाई के लिए करते थे और यह मुर्गे की लड़ाई के लिए सबसे प्रसिद्ध पक्षी है जिसका नाम है असील। और इसकी विभिन्न वेराइटीज़ हमारे देश में उपलब्ध हैं। कई बार आपने देखा होगा काले रंग का असील दिखाई देता है जिसे हम कागर के नाम से जानते हैं, पीले रंग का असील दिखाई देता है जिसे हम पीला असील के नाम से जानते हैं और इस प्रकार के कई जो कलर हैं उनके जो असील हैं वो हमारे देश में मौजूद हैं। अभी भी इनके रखरखाव में लोकप्रियता में कमी नहीं आई है, हालांकि अब ये हमारे कुछ अर्बन एरियाज में या कुछ शहरों तक लिमिटेड होकर के लोगों में अभी भी इसके चिकन के मीट का क्रेज़ है, क्योंकि उनको लगता है कि इस मुर्गे का मीट ज़्यादा अच्छा दिखाई ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा टेस्टी लगता है। और इसके साथ ही इस प्रजाति का उपयोग अब लोग घर के बैकयार्ड में भी करते हैं, क्योंकि इस मुर्गे की खासियत है कि ये प्रेडेटर से यानी कुत्ता और बिल्ली से अपने आप की स्वयं की रक्षा बहुत आसानी से कर लेता है। और आपने कई बार यूट्यूब में और कई फेसबुक क्लिप्स में देखा होगा कि इस मुर्गे ने कुत्तों को मार करके भी भगा देता है और अपनी सुरक्षा स्वयं ही कर लेता है। अतः बैकयार्ड में रखने पर इवन हमें इन बर्ड्स के लिए नाइट शेल्टर का इंतजाम करने का भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता, परंतु अच्छा रहता है अगर हम इन बर्ड्स के नाइट शेल्टर का इंतजाम कर लें। यह बर्ड बाहर जो हमारा घूरे का ढेर होता है उस पर जो लार्वा और मक्खी के लार्वा होते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, केंचुए होते हैं, उनको खा करके अपनी गुजर बसर कर लेता है। इसके अतिरिक्त जो हमारा घर का किचन वेस्ट होता है और कुछ अतिरिक्त मात्रा में जो दाना उपलब्ध होता है वो अगर आप इसको थोड़ा सा दे देते हैं तो यह बर्ड उसके ऊपर थ्राइव कर लेता है। आपको यहाँ पे बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि इस बर्ड के अंडे देने की क्षमता बहुत ज़्यादा नहीं है और एक साल में अधिकतम यह बर्ड 120 अंडे के आसपास इसकी जो मुर्गी है वो दे पाती है। तो ख़ासकर इस बर्ड का उपयोग मीट के रूप में ज़्यादा किया जाता है और गेम बर्ड के रूप में या खेलने वाले पक्षी के रूप में ज़्यादातर किया जाता है। और इस बर्ड की कीमत यहाँ तक है कि खासकर हमारे ग्रामीण परिवेशों में लोग बड़े जतन से इस बर्ड को, अगर वो फाइटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं तो बहुत जतन से पालते हैं और अच्छी खुराक भी देते हैं ताकि उसके लड़ने की क्षमता बरकरार रहे। इस बर्ड को दूर से देखने से ही हम पहचान सकते हैं कि एकदम यह अपने नेक और छाती को निकाल करके चलता है, लगता है कि इसकी दबंगियत चारों तरफ है। और इस बर्ड को अगर आप घर के पिछवाड़े पे रखना चाहते हैं तो आप बहुत आसानी से रख सकते हैं। इसका हमारे ग्रामीण परिवेश में और ख़ासकर हमारा जो अर्बन एरिया है, जो हमारे शहरी एरिया हैं, शहरी निकाय हैं, वहाँ पर भी इसका एक निश एरिया है जहाँ लोग सिर्फ असील को ही लेना पसंद करते हैं, चाहे वो मीट के लिए हो, चाहे असील के अंडे हों और चाहे इस बर्ड का इस्तेमाल वो बर्ड्स की लड़ाई या उसको देखने के लिए करते हों। और इसका एक पेयर लगभग 500 रुपये से 2500 रुपये में बाज़ार में बिकता है। तो इसका एक निश एरिया है, मार्केट है। अगर हमारे किसान भाई चाहें
तो वो घर के बैकयार्ड में इस बर्ड का लालन पालन, अपने घर की जो भरण पोषण है उसके लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि इससे अच्छे क्वालिटी का अंडा और मीट मिलता है। इसके साथ ही इस बर्ड्स को बाज़ार में जिनको इसको रखने का शौक़ है, घर में पालने का शौक़ है, उनको भी 500 से 2500 रुपए जहाँ पर इनको इन बर्ड्स का विशेष अवसरों पर मिल जाता है, तो वो इस तरीके से इन बर्ड्स को बैकयार्ड में रख करके अपना जीविकोपार्जन कर सकते हैं या एक नए सहयोगी धंधे के रूप में इसको अपना सकते हैं। धन्यवाद।